How to start an import business in India? How to import into India? और unique product sell करने तो import एक अच्छा option है। सारा का सारा hardware Germany से import करते हैं। हम काफी सारा material China से import करते हैं। Series का नाम है How to import। तो ये है part one। आप और बहुत ही कम investment के साथ आप import कर सकते हैं। Despite tensions at the border, India is importing Chinese goods in increasing numbers.

बट जब मैंने YouTube पर सर्च किया हाउ टू स्टार्ट एन इम्पोर्ट बिजनेस इन इंडिया तो मेरे अलावा एक दो ही ऐसे वीडियोज है पूरे YouTube पे जिन्होंने डिटेल में बताया कि, कि किस तरीके से आप इस बिजनेस को इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं बाकी सारे लोग एक्सपोर्ट पे ही बात कर रहे हैं और साथ साथ इंडिया में अगर आप अपना इम्पोर्ट बिजनेस को या कोई भी शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के स्पॉन्सर फ्लेक्सी लोन्स बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं और उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा जब भी आप बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में उतरने की और अपने डोमेस्टिक बिजनेस को इंटरनेशनली स्केल करने की तो आप लोगों को फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है कई सारे डोमस्टिक बिजनेस एक्सेस फंड रिक्वायरमेंट के चलते इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शुरू ही नहीं करते कैपिटल बिजनेस के लिए फ्यूल की तरह होता है जो कि आपकी बिजनेस की गाड़ी को चलाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जो कि इस वीडियो के स्पॉसर भी है जहां से आप बहुत ही आसानी से अप टू 50 लाख रुपए का क्रेडिट लाइन अवेल कर सकते हैं फॉर योर बिजनेस वो भी

पूरा करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अप अपटू फिफ्टी का लोन बिना किसी कोलेट्रल के विद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन विदिन फोर्टी एट आवर्स अवेल कर सकते हैं देखिए जब भी कोई इंडिया से एक्सपोर्ट करता है तो गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव देती है इन द फॉर्म ऑफ एंड ड्यू टू ड्रॉबैक दूसरी तरफ अगर कोई इंडिया में कुछ इंपोर्ट करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लाइंस का स्ट्रेस देती है इंडिया से एक्सपोर्ट कर पाना जितना आसान इंपोर्ट कर पाना उतना ही मुश्किल है इसलिए सारे लोग एक्सपोर्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं इम्पोर्ट बिजनेस तो शुरू करने से पहले आप लोगों को इस बात का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर इंडिया या कोई भी और देश इम्पोर्ट को डिस्करेज करता ही क्यों है देखिए जब भी कोई देश एक्सपोर्ट ज्यादा करता है तो उसको कई तरह के फायदे होते हैं जैसे कि फॉरन करेंसी का इंडिया में आना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना प्रोडक्शन का इंक्रीज होना जीडीपी का इंक्रीज होना और हमारे सॉफ्ट पावर का इंक्रीज हो वही दूसरी तरफ जब कोई देश इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है तो उसके कई तरह के नुकसान भी है जैसे कि फॉर करेंसी का बाहर जाना जिसके चलते हम खुद की करेंसी का डिवेलू होना डोमेस्टिक मार्केट में कॉम्पिटिशन का बढ़ना मैनुफैक्चरिंग का कम होना अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना और दूसरे देश पर डिपेंडेंस का बढ़ना फॉर इंपोर्टिंग इम्पोर्टिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट।, बट अगर इंपोर्ट इतना ही बुरा है तो इंडिया या कोई भी और देश इंपोर्ट करता है कि उस पर कंप्लीट बैन ही लगा देना चाहिए देखिए इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और हम सब कुछ मैन्युफेक्चर नहीं करते हम तो क्या कोई भी देश सब कुछ मैन्युफेक्चर नहीं करता हर देश किसी न किसी देश से कोई ना कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकता कभी वो एग्रीकल्चर हो सकता है एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट हम थर्टी परसेंट इंपोर्ट ऑफ टोटल केमिकल एंड नाइन ऑफ इंडस्ट्रियल मशीनरी चाइना से देखिए जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके कई सारे फायदे भी होते हैं एंड सिलेक्शन फॉर कंज्यूमर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हो सकता है कि आप इंडिया में मैन्यक्चर नहीं करते हैं इंडिया मैनुफेक्चर नहीं करता उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं और इंडियन कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि अगर आप एमेजो के मूवर्स शेकर पेज पर पे जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स आपको इंपोर्टेड ही दिखाई देंगे दूसरा है कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग मिल जाती हो सकता है कि उसका जो प्रोडक्शन है इंडिया में बहुत ज्यादा क्वान्टिटिटी में नहीं होता इसलिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंडिया में बहुत ज्यादा प्राइसिंग है और वही सेम प्रोडक्ट बाहर किसी और कंट्री में बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर प्रोडक्ट प्रोडक्शन होता है और और वहाँ पे लेबर कॉस्ट भी कम है तो इसलिए वो प्रोडक्ट आपको वहां से खरीदना सस्ता पड़ता है रदर देन इन इंडिया तीसरा है एक्सेस तो टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज अब इंडिया में हो सकता है कि कई तरह के प्रोडक्ट जो अभी डेवलप हुए नहीं है डेवलपिंग स्टेज पे है और दूसरी कंट्रीज में वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डेवलप है फॉर एग्जाम्पल चाइना में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा डेवलप्ट है जर्मनी में ऑटोमोबाइल बहुत ज्यादा डेवलप है तो इन प्रोडक्ट्स को जो है वहां से इम्पोर्ट कर सकते हैं इंडिया में इंडियन कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इंडिया के बड़े बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लान जैसे कि बोट नॉइस फायर बोल्ट इन सभी ने अपनी शुरुआत प्रोडक्ट्स को चाइना से इंपोर्ट करके की थी क्योंकि इट कम्स टू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, चाइना इज वे अहेड ऑफ इंडिया चौथा है इम्प्रूड क्वालिटी आप कई सारे प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते हैं रैदर देन आप उसको बाहर किसी कंट्री से इंपोर्ट करें तो अभी भी इंडिया में हो सकता है कि कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है उसकी प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं होती है उस एक्सपर्टाइज के साथ नहीं होती जो उसको बाहर कोई कंट्री में लोग मैन्युफेक्चर करते हैं तो उस प्रोडक्ट को आप बाहर कंट्री से इम्पोर्ट कर सकते हैं और इंडिया में सेल कर सकते हैं फिफ्थ है रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट और ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जिसके चलते लोग बाहर से चीजों को इम्पोर्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप मैनुफेक्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है और प्रॉपर कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जिसका इनिशियल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आता है और आप लोगों को टेस्ट करने पर अगर वो प्रोडक्ट आपका फेल हो जाए तो उसमें आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है तो इस केस में क्या होता है कि लोग बाहर से प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करते हैं इंडिया में टेस्ट करते हैं अगर वो प्रोडक्ट चलता है तो फिर उसको आप इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इसीलिए इंडिया जो है अपना 80 परसेंट यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चाइना से इंपोर्ट करता है जिसका हम बाद में कंप्लीट दवाइयां बनाते हैं और लोकल मार्केट में भी उसको कंज्यूम करते हैं और बाद में फिर उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं इसके साथ साथ हमारा जो फोर्टी कैपिटल मशीनरी है यानी मैन्युफेक्चरिंग करने की जो बड़ी बड़ी मशीनरी है वो भी आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं जिसका यूज करके हम बाद में फर्दर फाइनल प्रोडक्ट्स को मैनुफैक्चर करते हैं जिसको कि हम लोकल मार्केट में भी कंज्यूम करते हैं और फिर बाद में एक्सपोर्ट भी करते हैं इम्पोर्ट इज नॉट बेट बट ओवर डिपेंडेंस ऑन वन कंट्री फॉर इम्पोर्टिंग

अवॉइड नहीं कर सकता इम्पोर्ट भी एक कंट्री के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक्सपोर्ट्स इसलिए अगर आप भी इंडिया में एक ससेसफुल इम्पोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसको आप लंबे समय तक चला पाए और बाद में उसको एक बड़े ब्रांड में कन्वर्ट कर पाए जस्ट लाइक बोट नॉइज एंड फायर बोट और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर पाए तो मैंने इम्पोर्ट बिजनेस के ऊपर एक पूरा का पूरा सीरीज बनाया है जिसमें मैंने ए टू जेड इम्पोर्ट बिजनेस को किस तरीके से इंडिया में सेटअप करना है उसके ऊपर वीडियोस बनाया है मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि किस तरीके से प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे किस तरीके से आपको मैन्युफैक्चर मिलेगा किस तरीके से आप सैंपल इंपोर्ट करेंगे किस तरीके से आपको सप्लायर को फंड ट्रांसफर करना है इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं जिसको आप इस वीडियो को खत्म करने के बाद उस सीरीज को भी देख सकते हैं और अगर आप भी अपना इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए